हेलो बेटा, आप लोग कैसे हो? सबसे पहले तो आपका स्वागत हो आपके अपने चैनल इजी गाइड पे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज बेटा, ये बेटा आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 17 है, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आता है। ओके, सो नाउ इस सेशन में हम आपको आज क्या क्या पढ़ाएंगे वो पहले बताते हैं। ओके, तो पहले हम ब्रीदिंग की बात करेंगे कि ब्रीदिंग होता क्या है। देन रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, देन इसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे बेटा कि इसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। इसमें टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। ओके, एंड देन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चलो तो पहले ये जानते हैं कि बेटा देखो, जब हम कभी फूड लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, देन एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो ब्लड के थ्रू हमारे एक एक सेल में वो न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू पहुंचता है, फिर वहां पे वो बर्न होता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, समझ में आया? फिर देन अल्टीमेटली हम करते क्या है? फूड क्यों लेते हैं? एनर्जी गेन करने के लिए। ओके, समझ में आया? एनर्जी गेन करने के लिए। ओके, तो सोचो अगर हम फूड लिए और डाइजेशन हो और रेस्पिरेशन ना हो, ठीक, तो रेस्पिरेशन अगर नहीं होता है तो डाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर एनर्जी यूज ही नहीं हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं। ठीक है, सो बेटा बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को वो एक मान लेते हैं, वो सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक है, बट ऐसा नहीं है बेटा। ये दो टर्म है और दोनों अलग अलग हैं, और इसको आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले बेटा कि ब्रीदिंग होता क्या है। ठीक है, तो ब्रीदिंग में ये है कि हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को लेते हैं, मींस इनहेल करते हैं। और इसके अपोजिट प्लांट में क्या होता है बेटा? प्लांट क्या करता है? प्लांट आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, मतलब इनहेल करता है, और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे ही हम एयर को एटमॉस्फेयर से अपने अंदर लेते हैं, तो वो एयर आपका लंग्स के थ्रू लंग्स में जाती है, फिर लंग्स के थ्रू टिश्यू मींस और सेल्स, ठीक, ग्रुप ऑफ द सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक, तो वो वहां पे आपके लंग्स से टिश्यू में जाएगी। ठीक, ब्लड फिर क्या करेगा? वो वहां से आपका पूरे न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपने फूड लिया, उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू और ऑक्सीजन को साथ में ब्लड के थ्रू आपके एक एक सेल में वो पहुंचाएंगे। फिर वहां पे क्या होगा? वो बर्न होगा, फिर क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक, उसके साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में निकलेगा, जो कि ब्लड लेके आए। ठीक है, एटमॉस्फेयर में निकलेगा। देन बेटा, तो ये तो आपका क्या हुआ? रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो इसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, ध्यान से समझना, जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुआ उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ठीक है, ब्रीदिंग बेटा क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग
एटमॉस्फेयर से एयर, ठीक, कहाँ टेकिंग कर रहा है, इनटू लंग्स, ठीक, और क्या हम निकाल रहे हैं, एक्सहेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कहाँ, इन एल्वियोलर एयर इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है, समझ में आया बेटा, इसका मैंने डेफिनेशन लिखा, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से एयर को ले रहे हैं, ठीक, लंग्स में, और क्या निकाल रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एल्वियोलाई एयर में है, जो एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, ठीक है बेटा। देन हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, क्या ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी फ्यूल, ठीक है बेटा, क्या करने के लिए, टू ऑब्टेन एनर्जी, ओके, एनर्जी किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, सो नाउ अब हम स्टेप की बात करेंगे, ओके, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको स्टेप के बारे में बताती हूँ, ओके, स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ओके, तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, फाइव स्टेप है, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन्वॉल्व इनटू रेस्पिरेशन, ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट आपका ऐसा हो गया ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग तो मैंने आपको बता दिया, देन ब्रीदिंग के बाद अब हम इसका सेकंड क्या होगा, सेकंड इसका बेटा होगा एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन कहाँ रहा है, बिटवीन एल्वियोलाई एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी, ओके, देखो क्या होता है कि जो गैसेस जो है, ठीक, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है, ये हम डिटेल आगे स्टडी में पढ़ेंगे, बट आप इतना जान जाओ कि एल्वियोलाई क्या होता है, ये आपका बेटा लंग्स का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, एंड ब्लड कैपिलरी क्या होगा कि ब्लड वेसल्स का ये सबसे पतली लेयर होता है, ठीक है, उसको ही हम ब्लड कैपिलरी बोलते हैं, जो पतला वेसल्स होता है, देन बेटा इसका थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय
ब्लड के थ्रू जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ओके। देन इसका फोर्थ स्टेप क्या बेटा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, यहां पर तो एल्वोलाई की बात हुई, अब किसमें हो रहा है ये, वो क्या निकल आएगा, ब्लड ब्लड कैपिलरी लरी एंड टिश्यू, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका तो ब्लड कैपिलरी और एलवाई में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, और यहाँ पे जो गैसेस आ रहा है ठीक है ब्लड के थ्रू, वो आपका ब्लड कैपिलरी और टिश्यू में कैसे गैस का एक्सचेंज होगा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देन हम फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं, उसमें क्या होगा बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो भी बेटा ऑक्सीजन जो आएगा ठीक है, ऑक्सीजन अल्टीमेटली आपके सेल में ही जाएगा ना, और मतलब ग्रुप ऑफ द टिश्यू, ठीक, टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल उसको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक। सेल से अब टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, देन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। तो वो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो तो बॉडी में हमारे गया, बॉडी में जाने के बाद क्या, वो सेल से लंग्स के थ्रू फिर हमारे बॉडी में जो टिश्यूज है मीन्स जो सेल्स है वहां पर वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, और वहां पर वो साथ में न्यूट्रिएंट को ले जाएगा, फिर वहां पे वो बर्न होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आप स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में बाय वन पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।